क्या फ्री फायर का बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन जानना चाहते हो, या फिर हेडशॉट मारने के लिए बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन कौन सा है, या फ्री फायर में 1v4 करने के लिए बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन क्या है? तो ये सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। नंबर 1, बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। सबको कुछ ऐसा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन चाहिए है कि एनिमी अगर नॉक करना चाहे तो आप नॉक ना हो, और अगर गलती से नॉक हो गए तो फौरन रिवाइव हो जाओ, और रिवाइव होते में एनिमी आपको किल करना चाहे तो वो भी ना कर सके। भाई मुंह की बात छील ले। और अच्छा छोड़ो यार, एनिमी को और रुलाएंगे नहीं, हम लोग उसको सीधा बैक टू लॉबी भेजेंगे। इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का फर्स्ट कैरेक्टर है सोनिया। सोनिया की एबिलिटी ये है कि अगर एनिमी आपकी पूरी HP खत्म भी कर दे तो आपको 3 सेकंड्स मिल जाते हैं उसको नॉक करने के लिए। अगर इन 3 सेकंड्स में उसको नॉक कर दिया तो आप नॉक होने से बच जाओगे। लेकिन आजकल के प्लेयर्स स्मार्ट हो चुके हैं और ये बात उनको पता है, इसीलिए वो भाग जाते हैं कि आप 3 सेकंड्स में उनको ना मार सको और फिर खुद ही नॉक हो जाओ। तो हम लोग अब खुद को रिवाइव करेंगे सेकंड कैरेक्टर की हेल्प से, जो है दिमित्री। तो जैसे ही सोनिया की एबिलिटी एक्टिवेट हो, आपको दिमित्री एक्टिवेट कर देना है, फिर नॉक होने पे रिवाइव हो जाओगे। ठीक है? अरे ठीक नहीं है, क्योंकि एनिमी रिवाइव होने से पहले ही फिनिश कर देगा। तो इसीलिए हम लोग थर्ड कैरेक्टर रखेंगे नैरी, जो हेल्प करेगा ऐसा कवर बनाने में जिसको तोड़ने में एनिमी खुद टूट जाए। तो हमको नॉक होने पे दिमित्री एक्टिवेट करना है, फिर इस तरह से ग्लू वॉल से पैक हो जाना है, फिर सारा काम करेगा नैरी। नैरी की एबिलिटी ये है कि वॉल्स लगाने के बाद सारी वॉल्स को 250 HP/s एक्स्ट्रा मिलेगी, जिससे जब तक आप रिवाइव नहीं होते वॉल्स ब्रेक नहीं होंगी, और अगर एनिमी वॉल को तोड़ेगा तो आपको 40 HP भी मिल जाएगी, और फिर ऐसा सॉलिड कवर मिलेगा कि आप इजिली रिवाइव हो जाओगे। अगर आपको डर है कि एनिमी रन करके आपके पास आ जाएगा और ग्लू वॉल के ऊपर से आकर आपको फिनिश कर देगा, तो मैं ये भी नहीं होने दूंगा। इसके लिए हम लोग फोर्थ कैरेक्टर यूज करेंगे, जो है ओथो, जिसका काम है एनिमी की स्पीड को 25% तक कम कर देना, और ये तब एक्टिवेट होता है जब आप नॉक हो जाते हो, तो इसीलिए एनिमी पास आ ही नहीं पाएगा। तो इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में यूज हुए हैं सोनिया, दिमित्री, नैरी और ओथो। नंबर 2, हेडशॉट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। हेडशॉट मारने के लिए सबसे जरूरी होता है कि एनिमी ज्यादा मूवमेंट ना करे, जितना हो सके स्टिल रहे, जिससे हेडशॉट इजीली कनेक्ट हो जाए। लेकिन भैया, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि प्लेयर्स स्मार्ट हो चुके हैं, इसीलिए हम लोगों को भी स्मार्ट होना पड़ेगा। हेडशॉट मारने से पहले ओपोनेंट का मूवमेंट फ्रीज करना होगा, और वो करने के लिए यूज करेंगे होमर कैरेक्टर। होमर के ड्रोन से एनिमी ऑलमोस्ट फ्रीज हो जाएगा, जिससे आप हेडशॉट मार सकोगे। लेकिन सिर्फ होमर की एबिलिटी से हेडशॉट उतने नहीं लगेंगे, इसलिए सेकेंड एबिलिटी होगी लूना, जिससे आपका रेट ऑफ फायर और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और फ्रीज ओपोनेंट को और भी ज्यादा हेडशॉट लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और फिर अपनी सेफ्टी भी तो इम्पोर्टेंट है ना, इसीलिए हम लोग सोनिया कैरेक्टर को भी यूज करेंगे, जिससे 3 सेकंड्स और मिल जाएंगे एनिमी को नॉक करने के लिए। फोर्थ स्किल होगी हायातो, जिससे एनिमी अगर आपको डैमेज देता है तो आपको डैमेज कम होगा, और वहीं आपका एनिमी को डैमेज इंक्रीज हो जाएगा, जिससे एनिमी पूरा डैमेज देने के बाद भी आपको नॉक नहीं कर पाएगा, उल्टा खुद नॉक हो जाएगा। तो हेडशॉट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में होमर, लूना, सोनिया एंड हयातो यूज होंगे। नंबर 3, 1v4 कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। वैसे 1v4 क्लच करना सारे प्लेयर्स का ड्रीम होता है, लेकिन ये करने के लिए बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन, प्रैक्टिस और कॉन्फिडेंस चाहिए है। कैरेक्टर कॉम्बिनेशन तो मैं बता दूंगा, लेकिन प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस आपको खुद डेवलप करना होगा। और आपने कितनी बार 1v4 क्लच करा है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना, और हाँ, किस रैंक पे करा है ये भी बताना। फर्स्ट है मोस्ट ट्रेंडिंग कैरेक्टर ओरियन, लेकिन सच बताऊं, ओरियन अकेले इतना पावरफुल नहीं है। फ्री फायर का एक ऐसा कैरेक्टर इसको मोस्ट पावरफुल बनाता है, जिसकी खुद कोई इज्जत नहीं थी, वो है मिगल। गजब बेइज्जती है। जो हर नॉक पे 200 EP देता है, जिससे ओरियन को वुकोंग की तरह यूज करा जा सकता है। इसीलिए मिगल भाई की तरह टाइम सबका आता है, बस पेशेंस की जरूरत होती है। भाई मुंह की बात छील ले। थर्ड कैरेक्टर है सोनिया, जिसकी एबिलिटी सबको पता चल गई है। एंड फोर्थ कैरेक्टर है नैरी, जिसका जादू खुद ही देख लो। एनिमी ने मुझको डैमेज दिया और मेरे पास हील करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो अब मैं एनिमी से हील करवाऊंगा।
यहाँ पे मैंने ग्लू वॉल लगा दी है और एनिमीज को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, बट उसको ये पता नहीं है कि ग्लू वॉल नहीं टूटेगी और ऊपर से मुझको एचपी भी मिल रही है। तो ये तो वही बात हो गई ना, एक तीर से दो निशाने। वैसे मुझे आप सबका निशाना भी चेक करना है, तो आपको व्हाइट कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको ऐसे हेडशॉट मारो कि वो रेड हो जाए। चलो अब देखते हैं कितने हेडशॉट सब्सक्राइब बटन को लगने वाले हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। दिस इज एरो AK साइनिंग ऑफ राइट नाउ। सी यू फैमिली इन नेक्स्ट।